भाविका जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच. और बिल्कुल, आप टेलीफोन लाइन पर हैं लेकिन आपके जो चेहरे की मुस्कान है वो मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई और आपने जो है हमारे अपने शहर का नाम जो है वो रोशन रोशन किया है। धन्यवाद. कैसा महसूस हो रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है 2 साल बाद फाइनली अब एक रेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो काफी खुशी है उस चीज की. बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं भाविका जी कि जिस के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हम 2 साल से पीछे जुटे हुए हैं और अगर उसमें सफलता हासिल हुई है तो उसकी खुशी, उसकी जो मिठास है वो कुछ अलग ही होती है। हाँ बिल्कुल भाविका, बिल्कुल. मैं आपसे थोड़ा सा आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगी कि आपके परिवार में जो है वो कौन कौन है और किससे आपको प्रेरणा मिली। मेरे परिवार में मेरे दादाजी, दादी, पापा, मम्मी, बुआ है. मेरा एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड मेडिकल से है. दादा पापा दोनों ही डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के जी थानवी, डॉक्टर विकास थानवी, एंड वो साइकाट्रिस्ट हैं. और मेरी मदर एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, तो काफी मेडिकल हैवी बैकग्राउंड है. दादी होममेकर हैं, तो काफी डिफरेंट था मेरे लिए ये. एंड लेकिन प्रेरणा देखी जाए तो सब लोग पहले तो चाहते ही थे कि मैं मेडिकल में जाऊं, लेकिन मैंने आर्ट्स ले ली थी. तो लेकिन उसके बाद जब ली और फिर बोला कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सबका काफी सपोर्ट रहा था, तो एक तरीके से सबसे ही प्रेरणा मिली इस चीज की. बिल्कुल भाविका, वो पल हाँ बड़ा, जब घर वालों को उम्मीद हो कि मेडिकल में ही जाएं आप लेकिन आपने आर्ट्स ले ली, तो वो पल थोड़े से वैसे रहे होंगे लेकिन बाद में जो सफलता मिलती है तो वो सारा जो पिछला होता है उसको भुला देती है। लेकिन आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया तो ये बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल. यूपीएससी आपका सपना जो है कब से आंखों में पलने लगा? करीब करीब 9th-10th में मैंने सोचा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन मेरे ख्याल से 9th-10th में इतनी समझ भी नहीं होती है कि क्या है सिविल सर्विसेज. बट धीरे धीरे 11th में, 12th में आर्ट्स ली थी, फिर उसके बाद कॉलेज में भी लगा कि नहीं, इसी को हमें परस्यू करना है. तो ओवर टाइम धीरे धीरे ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज में ही जाएंगे. और मेडिकल का जहां तक था वो तो हट ही गया था कि मेडिकल में नहीं जाना है, तो जी इसलिए में मैंने डिसाइड करा. बिल्कुल। भाविका, ये आपका कौन सा हाँ, अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. अच्छा, और क्या क्या हाँ सब्जेक्ट लिए आपने मेन? क्योंकि आप सभी के लिए आज एक प्रेरणा बन गई हैं तो सभी बिल्कुल. जानना चाहेंगे कि आपके मुख्य विषय क्या रहे इसमें। मैंने साइकोलॉजी अपना ऑप्शनल रखा था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में कर रखी है, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं मेरे उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूंगी. बिल्कुल भाविका जी, जब आप पढ़ने लगी और जैसे आपने कहा कि 9th-10th में तो जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है लेकिन बाद में चल के हाँ क्लैरिटी जो है वो आती रहती है, तो क्या आपने हाँ अपनी ग्रेजुएशन के साथ, आप साथ में इसकी भी तैयारी कर रही थी? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी हाँ स्ट्रेटजी जो है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्या रही? मैंने ग्रेजुएशन तक तो बिल्कुल इसकी तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि ये था कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो लगना ही है पढ़ाई में, तो अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं. तो लेकिन उसके बाद ये था कि स्ट्रैटेजी के लिए मैंने रिवीजन काफी रखे थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि रिविजन की कमी थी मेरी, और उसके कारण मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. तो फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में कम से कम 3-4 बार हर स्टेज के पहले रिवाइज करा था, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू के लिए भी पूरा जनरल स्टडीज करा था. बिल्कुल, जो हमें कमियां रह गई तो उसको सुधारने का मौका जो है वो हाँ, मिलता है, जरूर जिंदगी देती है और बिल्कुल. आपने उसी मौके का भरपूर फायदा उठाया। और भाविका, जब हम कल रिजल्ट देख रहे थे, जब टीवी में भी न्यूज़ चल रही थी, तो जो फर्स्ट 4 टॉपर्स हैं वो लड़कियां हैं बिल्कुल. और जो 25 में से 14 हैं वो भी लड़कियां हैं। तो एक लड़की हाँ होने के नाते आप जो हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के हम रहने वाले हैं तो अभी हाँ भी राजस्थान में अगर हम देखें तो लड़कियां वैसे बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे भी करेंगी, लेकिन फिर भी एक राजस्थान की लड़कियों को और स्पेशली अपने शहर की लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो ये कि इतने सारे टॉपर्स गर्ल्स हैं, ये काफी गर्ल्स की बात है, सारी लड़कियों के लिए. एंड सब वो रोल मॉडल्स की तरह हैं जो टॉप 4 में आए हैं, टॉप 25 में आए हैं. मैं ये कहना चाहूंगी सारी लड़कियों को कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते, तो अगर मेहनत करें तो हमारे पास उतना ही चांस है जितना लड़कों के पास है वो हासिल करने का इसमें. लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है फैमिली सपोर्ट, तो वो रहेगा. बिल्कुल,
बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट की आपने जो बात की कि यू आर लक्की वन कि आपकी फैमिली ने आपको पूरा सपोर्ट किया, लेकिन कई बार हाँ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हम समझ सकते हैं बिल्कुल कि कई तो जितनी भी फैमिलीज भी इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, तो अपनी बेटियों को जो है वो आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें पढ़ने दीजिए। और जैसा कि भाविका ने अभी भी बिल्कुल हमसे कहा कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है अगर आप सोच लो तो। सोच लो तो। और भाविका, बिल्कुल कल का दिन आपकी जिंदगी का एक विशेष दिन बन गया। जोधपुर वासियों के लिए भी आप एक प्राउड, एक गर्व का बन गई हैं, और बहुत से जो अभी इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। तो कल के दिन जैसे ही आपने न्यूज़ सुनी, आपको कैसा महसूस हुआ? कल का दिन मेरे लिए वैसे भी काफी स्पेशल था, क्योंकि मेरे छोटे भाई की बर्थडे भी थी, अरे वाह तो वो एक काफी साथ दो दो सही खुशी हाँ तो फिर काफी अच्छा लगा था मेरे को देख करके कि टॉप 100 में आ गया नाम। बाकी थोड़ी देर तक रियलाइज नहीं हुआ था कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, तो कुछ अच्छा टाइम लगा ही है सेटल होने में। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने एक मकाम जो है वो हासिल कर लिया। और आप जब ज्वाइनिंग करेंगी, ऑफ कोर्स करेंगी आगे चल के, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज क्या रहेंगी कि आप क्या एक आईएएस अधिकारी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं कि आप क्या क्या करना चाहेंगी? अभी तो हमें जैसे सर्विसेज अलॉट नहीं हुई है, अब मुझे आईएएस मिलता है, आईएफएस मिलता है, उसके बेसिस पे मैं ये बोलूंगी कि कोई भी सर्विस मिले, एक ऐसी चीज है जिस पे मैं काम करना चाहूंगी, वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी फोकस की जरूरत उसी एरिया में है, क्लाइमेट तो वो चेंज मेरे पे बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी हमारे अभी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, और भाविका मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ जोधपुर में प्रोग्राम सुना जाता है बल्कि कई दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ पे भी ये प्रोग्राम सुना जाता है, तो बिल्कुल बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के बारे में उनसे कुछ शेयर कीजिए कि कोचिंग की कितनी ज़रूरत पड़ती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, तो कोचिंग, लाइब्रेरी, इनका क्या रोल है? देखिए, मैंने लाइब्रेरी का तो यूज नहीं करा था इतना, मैं घर पे ही पढ़ रही थी। कोचिंग का मैं बोलूंगी कि जरूरत अनुसार जरूरत पड़ती है उसकी। मेरे को लगा था कि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने कोचिंग दी थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, एंड वो काफी हेल्पफुल भी रही गाइडेंस के लिए। लेकिन अगर आपके पास गाइडेंस है, और वैसे इंटरनेट के थ्रू आजकल सबके पास हो ही जाती है, तो कोचिंग एक डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं हो सकता कि अगर आपने ली है तो ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने काफी मेरे ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी है। बिल्कुल, मतलब ये अपने अपने जो है सुविधा के अनुसार है कि जैसा आपको सूट करता है वैसा आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और सोशल मीडिया, आपने कहा कि आजकल नेट से जो है वो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हर्डल भी है। तो क्या आप मोबाइल से बिल्कुल दूर रही या आप मोबाइल पास में रख के पढ़ती थी? मैं मोबाइल से तो और सोशल मीडिया से तो दूर नहीं रही थी, मैंने चलाया ही था इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ ही। लेकिन ये था कि एक टाइम लिमिट फोन पे सेट हो जाती है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा आप सेट कर दीजिए, जी और उसको किसी तरह स्टिक करने की कोशिश करिए, और नहीं हो पाए तो फिर पापा या मम्मी को बोल दीजिए कि ये ले लीजिए फोन मुझसे आप यानी ये बहुत जरूरी है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख आंख दिखाई दिखनी दे रही थी, चाहिए तो सोशल मीडिया से दूर, जैसा भाविका ने भी कहा कि बिल्कुल दूर तो नहीं रही लेकिन फिर भी लिमिट लिमिट जो है हाँ उसको, लिमिटेशन अगर हो जाती है तो कई चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं। थोड़ा भाविका फ्रेश रहने के लिए थोड़ा सही बात चाहिए है बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या म्यूजिक जो है वो आपकी पढ़ाई में सहायता करता था? पुराने जमाने के लोग कहते हैं, आज भी जब कभी बात करते हैं तो कहते हैं हम पढ़ते वक्त रेडियो लगा लेते थे पास में, तो क्या हाँ म्यूजिक में आपकी रुचि है? म्यूजिक आप सुनती हैं? मैं सुनती जरूर हूँ, लेकिन मुझे सुर का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ये मुझे बोला जाता है घर पे भी। तो मैं सुनती थी, लेकिन रिलैक्स करने के लिए मैं साथ साथ में कभी नहीं पढ़ पाई कि गाने चल रहे हैं और मैं पढ़ लूँ, वो मेरे को उस वक्त बिल्कुल शांति का माहौल चाहिए था। इसी के साथ भाविका, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बहुत से लोग अभी यूपीएससी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि 28 मई को प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, तो सभी लोग जुटे हुए हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? अभी जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का 28 मई को, हाँ उनके लिए तो ये कि अभी सबसे जरूरी है आप थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी पढ़ाई कर ली है एंड आप जानते हैं सारी चीजें, और
ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से. आई होप कि जो भी ये कर रहे हैं मेहनत से उन सबका सिलेक्शन हो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीन जो नदियां हैं पार करनी पड़ती हैं, तो क्या इनकी हाँ. जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग होती है, या शुरू से जो है वो रिदम जो है, जैसे आपने कहा कि वैसे तो आप म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा सुर नहीं है, लेकिन रिदम पढ़ाई में हाँ. आपने पैदा किया, इसीलिए आज आप आज 102.1 FM पर हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं. तो क्या इनकी तैयारी अलग अलग करनी है या शुरू से एक ही रिदम रखना है? शुरुआत में तो एक ही रिदम रहेगा तीनों स्टेजेस के लिए, खास करके प्रीलिम्स और मेंस के लिए. लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आएगा वो सारी रिदम अलग अलग होने लग जाएंगी. फिर प्रीलिम्स पे फोकस, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू पे. इंटरव्यू के बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी भाविका जी, क्योंकि इंटरव्यू जब देते हैं तो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका गजब का होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए. तो आपने इंटरव्यू को जो फेस किया, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव किस तरह के रहे? मेरा अनुभव बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत अलग था, क्योंकि मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज दिए थे और वो मॉक इंटरव्यूज मेरे इतने अच्छे नहीं गए थे और मुझे काफी डर बैठ गया था उसके बाद से. तो और इंटरव्यू में उन्होंने काफी डिफरेंट सवाल पूछे, काफी अलग, और साथ के साथ मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि इंटरव्यू हुआ, ऐसा लगा है कि मैं किसी से बात करके आ गई हूँ बस. तो वो इंटरव्यू वाला बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि वो पैनल मेंबर्स इतने अच्छे होते हैं, इतने मतलब वेल रेड होते हैं कि वो आपको इतना कंफर्टेबल फील करवा देते हैं. बिल्कुल. तो कई बार जैसे जो पुराना है, जैसे आपने कहा कि मॉक जो है उससे आप थोड़ी सी विचलित हुई, लेकिन बाद में जो है वो आपको बिल्कुल कूल लगा. हाँ, तो बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है. चलिए भाविका जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि वैसे आपने कहा कि म्यूजिक आप पढ़ते वक्त नहीं सुनती, लेकिन अब आज के दिन तो पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप हमें बताइए अपनी पसंद का गाना, कि आप कौन सा सॉन्ग जो है वो हमारे साथ में सुनना चाहेंगी. एक गाना है जो यूपीएससी कम्युनिटी या एस्पिरेंट कम्युनिटी जो है उसमें सब लोग काफी सुनते हैं, वो है बंदिया रे बंदिया. ये गाना कई बार जब मैं डिमोटिवेट हो जाती थी तब जरूर सुनती थी, तो वो सुनना पसंद करूंगी. बिल्कुल, भाविका थानवी जी को हम ये गाना जरूर सुनाएंगे. और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और भाविका आप आगे भी बहुत अच्छा करें, और फिर से मैं ये कहूंगी कि हमारे शहर का नाम जो है रोशन रोशन करें. बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई. और इसी के साथ